हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने वीरवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र हरोली के गांव पालकवाह में स्थित एसडी पब्लिक स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने घालूवाल स्थित विश्राम गृह में खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। पालकवाह स्थित स्कूल के वार्षिक समारोह में पहुंचने पर स्कूल प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने मुकेश अग्निहोत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का आगाज किया। इस अवसर पर स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। वहीं मुख्य अतिथि ने पढ़ाई और खेलकूद सहित अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार राज्य में शिक्षा के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि वह बच्चों और शिक्षा के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। वहीं भाजपा द्वारा सरकार पर फिजूल खर्ची के लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा के नेता एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसमें वह मानसिक तौर पर ये बात नहीं मान रहे कि प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शुक्रवार को होने वाली प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट में जनता से जुड़े मुद्दों पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया है और जनता से भी वादे चुनावों से पहले किए गए उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। इसका संदेश ये है कि हम शिक्षा के लिए और बच्चों के लिए समर्पित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये पहला कार्यक्रम है हरोली विधानसभा क्षेत्र का, तो जो आधिकारिक तौर पे स्वागत के तौर पे तो पहले भी स्कूलों में हम आए, लेकिन शिक्षा का व्यवस्था मूलभूत ढांचा उसमें आश्चर्यजनक सुधार किए जाएंगे। क्योंकि देखो, सत्ता हाथ से निकल गई है और भारतीय जनता पार्टी को मानसिक तौर पे इस बात को मान लेना चाहिए, अपने मानसिक पटल पे जो है उनको अंकित करना चाहिए कि हमारे से सत्ता निकल गई है और सत्ता में दूसरा दल आ गया है, दूसरे लोग आ गए हैं। और सबसे पहला कदम क्या होता है किसी भी राजनीतिक दल का, वो हार को स्वीकारता है जी। जो नैतिकता के आधार पे जो लड़ते हैं उनका सबसे पहला काम होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है, हम चुनाव हार गए, हम जनता के फैसले क्या के सर झुकाते हैं और हम जो है अब विपक्ष में काम करेंगे। लेकिन अभी तक ये मानसिक तौर पे मान नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है कि आप इस बात को स्वीकार ना करें कि सत्ता हमारे से छूट गए, कि चलो थोड़ा समय लगता है राज से जाने के बाद। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। मुखिया जी, कल कैबिनेट है क्या? बिल्कुल, हम समर्पित हैं जनता से। जो हमारी गारंटीज हैं, जो हमने उनसे वायदे किए हैं, उनका उन पे किसी भी राजनीतिक दल की विश्वसनीयता इस बात पे निर्भर करती है कि जो उसने वायदा किया क्या उसको निभाया कि नहीं निभाया। बिल्कुल, हमने जो गारंटीज दी हैं उन पे हम अमल करेंगे। और कल पहली कैबिनेट है, पहली कैबिनेट में भी लोगों को संदेश जो है बड़ा क्लियर एंड लाउड चले जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है और उस नज़रिए से हम जो है काम करेंगे। और उसके बाद निरंतर जो है ये सरकार जनता के प्रति समर्पित सरकार है और ना तो किसी के शोर मचाने से हम अपने रास्ते से विचलित होंगे और ना ही कोई हमें डिक्टेट कर सकेगा कि आपको इसी रास्ते पे चलना है। हम अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद तय करते हैं, उस रास्ते पे चलेंगे। तो इसलिए वो रास्ता है विकास का, कल्याण का, गरीब की सेवा का। वो एजेंडा धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा और ये जो शुरुआत में ही जो है वंडर मचाने की कोशिश की जा रही है कि ये हो गया वो हो गया, जो होगा वो हमारे घोषणा पत्र में जो लिखा है। घोषणा पत्र हमारा नीतिगत दस्तावेज है, हमारे नेताओं ने
की मंजूरी से बना हुआ है, हाईकमान की मंजूरी से बना हुआ, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे।